हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाली हूँ जो आप कभी भी बना सकते हैं, शाम में चाय के साथ या दिन में भी इसे खा सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि ये बच्चे लोगों के लिए और भी अच्छी बात होगी कि इसमें आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं जो बच्चे खाना नहीं चाहते हों, तो इसलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप बेसन, 1 कप सूजी और 1/2 कप दही। अब सबको मिक्सिंग बॉल में अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा दही डालने के बाद इसे फेंटते जाएं। जब दही मिल जाए तब इसमें पानी भी डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे साथ साथ। पानी आप देख सकते हैं कि कितना लगेगा। दही अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर पानी उससे थोड़ा 1-2 चम्मच कम लगेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो। ये हल्का, ये सूजी का है इसलिए हल्का सा ढीला, मतलब इतना गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि फूलेगा। 10 मिनट इसे छोड़ेंगे और पानी आप देख सकते हैं कि एक ग्लास में इतना बचा है, तो 1/2 से ज़्यादा लग गया पानी। अब सब्जी में मैं डाल रही हूँ बीन्स, शिमला मिर्च और प्याज, मिर्ची। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ डाल सकते, गाजर, मटर, गोभी, ये सभी ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, या तो थोड़ा थोड़ा सब में से डालें, या मेरे पास अभी यही सब्जी था तो मैं इतना ही डाली हूँ। और इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस अगर आप नहीं डालते हैं तो यहाँ हल्दी डाल के आप बना सकते हैं हल्दी नमक डाल के। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, सोया सॉस डाली हूँ। और सोया सॉस डाल मिक्स करने के बाद मंचूरियन मसाला डाल रही हूँ। वैसे आपके पास कोई और मसाला आप डालना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो वो ऐड कर सकते हैं। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। 10 मिनट सब्जी डालने के बाद भी छोड़ सकते हैं या सब्जी डालने से पहले भी, लेकिन 10 मिनट ज़रूर छोड़ेंगे। और नमक डालें, लास्ट में डालेंगे सोडा, वो बनाने से पहले ही डालेंगे। सब मिक्स हो जाए तब इसमें लास्ट में जब बनाने से पहले इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा में से डालेंगे और फिर उसे एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे और बनाना शुरू करेंगे। ताई का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं लोहे का बर्तन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसलिए आप कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा मोटा हो। और इसमें डाल दें 1 से 2 चम्मच बड़े चम्मच घी। मैं यहाँ घी का यूज़ की हूँ। अगर आप घी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो रिफाइन ऑयल या कोई भी तेल जिसमें कोई खुशबू ना हो तो वो डाल सकते हैं। और उसके बाद ये इस तरह से डाल दें। पैन मेरा बहुत छोटा सा था इसलिए मैं इसे इसमें बनाई हूँ और फिर ढक के छोड़ दे 5 से 6 मिनट। हो सकता है बर्तन अगर थोड़ा मोटा पतला, ऐसे अलग अलग बर्तन में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये दाना दाना ऐसे छेद छेद जैसा निकल जाए और ऊपर से थोड़ा सा सिका सिका हो जाए, गीला ना रहे, तब आप इसमें अब एक ऊपर से इसमें घी लगाएंगे और इसे पलट देंगे। तब 1 से 2 मिनट ही लगेगा। 1-2 मिनट के बाद दूसरे साइड, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 से 2 मिनट बनने के बाद ये हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। गैस ऑफ कर देंगे, बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी चिली सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं तो कोई चटनी भी लगा सकते हैं। ये बहुत
जल्दी बनने वाला नाश्ता है। इसे टिफ़िन में या घर पे कभी भी आप बना सकते हैं। टिफ़िन के लिए भी बेस्ट है और बच्चे लोगों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्जी भी डले होते हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक देना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।